वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद अनीशा। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड यहाँ पे मेरी आईज के नीचे ना गाइस कल जल गया था क्योंकि मैं बना रही थी पनीर एंड उसका ना एक कुछ आके मेरे मुंह पे लग गया। एंड यहाँ पे बैठी हूँ मैं वैक्सीन का ताम झाम खोल के क्योंकि सर्दियों में हमें नीड नहीं होती, बट अब मुझे जाना है आज फंक्शन में। सो इसलिए चाची के भाई का रिसेप्शन है आज, तो हम सब लोग वहाँ पे जाएंगे। मम्मी ऑलरेडी वहाँ पे गई हुई हैं 3 दिन से। मैं व्लॉग शूट नहीं कर रही थी तो आप लोगों को पता नहीं चला, बट मम्मी 3 दिन से वहीं पर हैं चाची के घर पे मेरठ। एंड मैंने फाइनलाइज कर दिया ये वाली ड्रेस पहनने के लिए। ये ना बहुत फेरी वाली ड्रेस है। मैं तो मोटी भी बहुत हो रही हूँ, पर देखते हैं मैं कैसी लगूंगी। और मैं अपना मेकअप भी आज खुद करूंगी। मुझे लेंस लगाना है एंड मुझे ना यहाँ पे पेन हो रहा है अब मुझे ना लग रहा है पता नहीं मैं कैसी करूंगी। तो अभी तो सबसे पहले मैं वैक्सिंग कर लेती हूँ, सिर्फ हैंड की करूंगी, लेग्स की तो बस की नहीं है भाई, बहुत ठंडा है ना। सो यस, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से गाइस। सो अब मैंने अपने लिए बनाई है मैगी यहाँ पे और मैंने चाय बनाई है एंड मेरे एक हैंड की वैक्सिंग हो गई है, बट एक अभी ऐसे का ऐसे ही बचा है। सो वो मैं करूंगी खाने के बाद एंड फिर मैं रेडी होंगी। सो मैंने खा लिया एंड अभी मेरी चाय तो बची भी बची है। देखो गाइस, मेरा ना अब जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। मुझे ना बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है, तो मैंने बस मम्मी को कॉल किया। मैंने पूछा कि अगर मैं ना आऊँ तो चलेगा? मम्मी कहती हैं गुस्से में कि हाँ तेरे बिना क्या यहाँ पे इनका कुछ रुक जाएगा? ऑफ कोर्स चल जाएगा, जैसा तेरा मन करे वैसा कर, ना कहीं आना होता ना जाना होता है। यार मेरा ना मन नहीं है क्योंकि ड्रेस निकल गई, सब कुछ हो गया, पर ना एक हाथ की वैक्सिंग भी हो गई बहुत दर्द सहने के बाद, पर अंदर से ही मन नहीं हो रहा है। तो मैं देखती हूँ अगर मैं जाती हूँ तो। गाइस तो देखो, मैंने बहुत मुश्किल से, मेरी आंखें वैसे ही सूज रही थी और मैंने और लेंस लगा ली हैं। अब ये थोड़ी देर बाद नॉर्मल होगी। मेरी ना डीप सेट और हुडेड आइज है, इनमें लेंस लगाना वो भी खुद बहुत बहुत टफ काम होता है, वरना बड़ी आंखें होती है ना टक्किया डल गया, पर इनमें छोटी छोटी में बहुत टफ हो जाता है। और ये वाला मेरा भी सेट नहीं हुआ अच्छे से, और ये मेरा पूरा मेकअप का सामान करना पड़ा है। बस मैं अपना जल्दी से मेकअप करूंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आप लोगों से। हाँ देखो मैं कैसे लग रही हूँ, देखो। देखो मैंने मेकअप कर लिया अपना एंड मुझे तो मैं ठीक लग रही हूँ, आपको पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँगी। एंड मैंने ड्रेस भी डाल ली है, टाइम बहुत कम था अपने पास तो बस इतना ही हो पाया। हाइलाइटर नहीं लगाया मैंने, बस वो लगाना है अभी मुझे एंड बस हेयर स्टाइल करना है जल्दी से, फिर मिलते हैं। सो मैं रेडी हो गई हूँ एंड कुछ ना कुछ लेकर ना मूड ऑफ मेरा हो ही जाता है। अब मेरे हेयर को लेकर हो गया, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बनाऊंगी, पर अब मेरे को लास्ट मोमेंट पे ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। सो रुको, आप लोग ना बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरे रास्ते में कहीं नहीं रुकी। एक तो मम्मी ना मुझे मेन मार्केट से ले आई, मैं बोल रही पीछे वाली गली से चलो कि नहीं नहीं, और देख रही हूँ मेरा ये ना सच्ची में बहुत बड़ा है क्योंकि ये ना वो है बारबी वाला। और पूरे रास्ते में ना सब मुझे ऐसे देख रहे थे, मैंने नीचे नजरें की, बड़ी मम्मी पीछे पीछे रुकती हुई आ रही है, मैं कहा जाओ मत आओ मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं तो भगी आ गई। पर मुझे बहुत शर्म भी आई और देखो मैं कैसे बैठी हूँ उसको संभाल के, एक पूरी सीट तो मुझे ही चाहिए। ठीक है इसको देखो, यहाँ पे कितना सुनसान एरिया है। ये भूत वाला रास्ता तो नहीं है यहाँ पे, वो तो नहीं मिलते, क्या होते थे वो कंकाल? नहीं कंकाल नहीं, अरे यार यार जो फेस बदलते हैं, जो पापा बोलते हैं कि मिलते थे वहाँ पे, छलावा नहीं मिलते गाइस यहाँ पे, छलावा वो भेष बदल लेते हैं ना। और ये हमारे ड्राइवर, ये थोड़े से होपलेस हैं, और ये हमारी दूसरी वाली कार, ये बुआ, ये बड़ी मम्मी, पीछे अन्या, केशव। हाय गाइस, अभी तो हम पहुंचे नहीं है, अभी तो हम रास्ते में ही है, हमें बहुत बहुत टाइम लग रहा है, बट आपको मतलब बहुत ही ना वो है जाम रास्ते में। हाँ तो आप लोगों को एक बात बताऊँ, सब ठीक है? अभी ना हमारे यहाँ पे थोड़ी सी ना धार्मिक बातें चल रही थी कि कहाँ पे क्या होता है कैसे होता है पूजा पाठ के बारे में, ठीक है? अभी हुआ क्या, हमारे जो ड्राइव कर रहे हैं ना कार को, वो मेरे चाचा लगते हैं, है ना, वो इतने होपलेस है ना भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊँ।
मतलब बात कुछ चल रही है, उनको पता है कि क्या बात चल रही है, लेकिन कुछ सेकंड बाद तो वो ना मतलब बात कुछ चल रही है, उन्हें पता है कि कौन सी जगह की बात चल रही है, लेकिन वो अच्छा वो कुछ देर बाद ही बोल रहा है अच्छा अच्छा मतलब भोपाल की बात चल रही है, वो ग्रेटर नोएडा पे ले आए उस बात को। अब आप सोच लो कि किस तरीके से होपलेस है। अभी क्या हुआ, हनी टेस्ट, उनको खांसी हो रही है, हनी टेस्ट देनी थी, तो कह रहे वो क्या होता है, अच्छा अच्छा टॉफी टॉफी, हाँ तो नाम नाम मत बोलो ना, तो वो जैसी पकड़ी ना हाथ में कह रहे ओ अच्छा ये तो हमारे गांव में मिलती है। मैं कहा नहीं, मेडिकल स्टोर पे मिलती है। हाँ सो मैं यही बता रही थी आपको, अभी बस हम चल रहे हैं और यहाँ पे आएगी मेरे मुंह पे लाइट, देखो ये बड़ी मम्मी हाय गाइस। सो देख लो मेरे को, और अब मैं और ये लग गए हैं खाना खाने, बाकी सब अंदर हैं, सबसे मिल रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं, बट मेरा मेन पर्सपेक्टिव होता है खाना, तो मुझे भूख भी लग रही थी और मैं आई भी सिर्फ खाने के लिए हूँ गाइस, बाकी अभी तो ये पूरा खा लिया है बिकॉज सब अंदर डांस कर रहे हैं, तो अब खाते हैं खाना गाइस। ये कपल है, कंग्रेचुलेशंस टू देम, मैनी 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 कंग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पे सब ये चाची पापा का एंगल ही सेट नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सकता इस दिन, उन्होंने अमोग ने कर ली लड़ाई, ठीक है। सो अभी हमारा फोटो खींच रहा है। ओके गाइस, सो लेट्स कांग्रेचुलेट देम, कांग्रेचुलेशंस, मेरा व्लॉग भी बन रहा है। थैंक यू। इतनी ज्यादा ठंड है ना अंदर, तो फिर भी ठीक लग रहा था, अभी मैं नाच के आ रही हूँ ना तो मैं तो फिर भी थोड़ी सी गर्म हो रही हूँ। एंड कपल ने भी डांस किया, हम लोगों ने भी डांस किया, बहुत मजा आया। एंड अब मैं पानी पीने आई हूँ, सो उसके बाद अब हम मैं तो कह रही हूँ चलो निकल लो यार घर के लिए, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इस ड्रेस में, लेकिन ऐसा प्लान भी है कि रुकना है, अब पता नहीं क्या करेंगे, मुझे तो पता भी नहीं है। मेरा तो मन यही है, मन 101% कि घर ही चलता है। सो यस, यहाँ पे ठंड है लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ, और ना मेरी आईज में ना हो रहा है पेन, क्योंकि वो लगी भी हुई थी ना मुझे, तो उसकी वजह से मुझे जलन भी हो रही है, और दोपहर में भी आप लोगों ने देखा था कि मेरी आईज कैसे स्वेल हो रही थी। तो देखो गाइज ये है पूरा, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। और गाइज वहाँ पे अंदर फंक्शन हो रहा है, यही है कि घर जाएंगे, और पता है पूरा बेड वो मेकअप से फैला हुआ है, मेरी तो आधी ना मैं इसलिए मेरी आत्मा सी रो रही है कि वो जाएंगे भी साफ करना है। आपके घर में भी कुछ फैला हुआ है? नहीं, हम साफ करके आते हैं। ओह माय गॉड, मैं लेट हो रही थी वरना मैं भी कर देती। सही में भाई मेरी खुद ऐसी हालत हो रही है। और गाइज सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है, मेरे फोन में सिर्फ 10% बैटरी बची है, और ये कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, मतलब व्लॉग तो पता नहीं कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। डिसाइड किया है कोई भी हमारे साथ नहीं जा रहा है ना, हमें घर ले जा नहीं रहा है, और हम दोनों को ही घर जाना है, तो हम इस साइकिल पे जा रहे हैं, हमारा चलान भी नहीं कटेगा और पैसे भी नहीं लगेंगे, और हम पैदल चलते चलते सुबह तक तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ तो हम दोनों जा रहे हैं घर, तेरे को तो यही जाना है पागल, गाजियाबाद दूर तो मुझे जाना है। अरे तो फिर तुम ले जा रहा ना, देखो कोई भी नहीं है, अब बस हम रह गए, गाउन उठा के पैदल मारना बहुत अच्छी लगोगी। बाय बाय कर देते हैं शादी को, हम सही में जा रहे हैं घर। मैं इतनी खुश कभी किसी शादी में जाने के लिए नहीं हुई, पर अब हो गई। एंड मेरा फोन सिर्फ 1% बचा है, ये ऑफ होने वाला है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से घर जाने के बाद, और ये घर रेडी हो गई है गाड़ियाँ देख रहे हो। एंड देखो मैंने अपना सारा सामान कैसे समेट के रख दिया, मैं आ गई थी बहुत देर पहले, और अब बज रहा है मेरे ख्याल से 2:30 या 3, मैं आ गई थी 1:30 बजे, 1:30 बजे आ गई थी। हाँ अभी टाइम हो रहा है 2:30, 2:33। मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई, एक तो मेरा फोन ऑफ हो गया था, मैंने आपको बताया था, तो और हम सब एक साथ थे, पापा मम्मी एक कार में थे, तो पता नहीं कुछ ज्वेलरी का मसला था, तो इस वजह से बहुत लेट हो गए।
एंड आके बहुत यू नो बैग्स वगैरह भी चेक किए, बहुत ड्रामा हुआ, तो उस सब के चक्कर में ना मैं और हैंग हो गई। एंड अभी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, लव यू ऑल, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।